हुआ है ना, तो इतना ज़्यादा प्रेशर है कुरियर वालों के ऊपर या ट्रांसपोर्ट के ऊपर कि हमारे मैक्सिमम कार्टून फेंकने से कुरियर पैसे वाले फट जाते थे। अब यदि एक भी पाउच फट रही है तो वो छोड़ो नुकसान, वो 10 और डब्बे खराब कर देती थी। मान ली किसी का 4 पाउच का ऑर्डर था तो 4 पाउच ऑर्डर से पैक नहीं कर सकते, तो होता क्या कि एक ही कार्टून पैक हो जाता था। तो कंपनी ये बोलती है कि कम से कम 12-15 वेयर हाउस खोलेंगे तब फिर दोबारा उसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि जब वेयर हाउस माल से ट्रक से पहुँच गया वेयर हाउस में सेम स्टेट में और सेम स्टेट से सेम स्टेट में एक गाड़ी बस चेंज होती है तो उसमें आसान होगा और लादना या उठाना उसमें लादना आसान होगा। दैट्स वाई तो सर जब तक यानी कि हमारा लगभग 4-5-6 वेयर हाउस एड्रेस और खुल जाएगा तो हम उसको स्टार्ट करेंगे, दोबारा कंटिन्यू करेंगे। बल्कि उल्टा कंपनी 5 लीटर पर कंपनी काम करेगी कि 2 लीटर के साथ में 5 पैसे लेके आए। इसके अलावा चाय पत्ती दोबारा अक्टूबर में पहले से अनाउंस है। चाय पत्ती रोकी क्यों गई थी कि हमारी अभी हमारी कंपनी छोटी थी, तो छोटी कंपनी में क्या होता है कि आप बड़े वेंडर से माल या प्रोसेस से नहीं, प्रोसेस क्या होता है जैसे मान लो एक 5 लीटर ऑर्डर में आप कुछ खाना खाने जाओ, मटर पनीर खाओ, जो टेस्ट आज मिलेगा ना 4 साल बाद जाओगे वही टेस्ट मिलेगा। उनको पहले डिसाइडेड है कितने चुटकी धनिया, कितना चुटकी हल्दी, कितना ग्राम, ये ग्राम तक नपा होता है। ढाबे पे नहीं, आज ये जाएंगे कुछ और टेस्ट लोग का लोग बनाएंगे कुछ और टेस्ट, वहाँ एक्सपर्टीज है कि भाई आपने ये कोर्स करके आए होंगे तो वही आप हमारे होटल में घुसेंगे। तो बड़ी कंपनियों में एक वर्ड होता है SOP, कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर। तो हमारी कंपनी अब चाय पत्ती पे SOP क्या होता है कि जैसे मान लो जितने लॉट की चाय पत्ती आई हर लॉट का स्वाद चेंज, जैसे टाटा टी हर बार सेम टेस्ट आएगा टाटा का, ताजमहल का, लेकिन एमएलएम कंपनियों का सब चाय पत्ती लेके देखो 90 पॉइंटों का टेस्ट हर लॉट में बदल जाएगा। पहले लॉट कुछ और होगा टेस्ट, जब दोबारा कोई नया लॉट आ गया तो टेस्ट चेंज हो जाएगा। तो अब हम उसको SOP सेट कर दिए हैं कि जनवरी से हमारे जो अक्टूबर से जो लॉन्च होने वाला है 3 चाय पत्ती हम लॉन्च कर रहे हैं, उसमें आप चाहे पहले सारी जोड़ो चाहे 5 साल बाद जोड़ो टेस्ट एग्जैक्ट सेम आएगा हर लॉट का। तो वो SOP बहुत समाज ने रोका हुआ है, जैसे चाय पत्ती रोकी गई है कि अब हम स्टैंडर्डाइज लेके आएंगे, बच्चों का ड्रिंक क्या रोका गया है क्योंकि पाउच लेके आएंगे। मान लीजिए बच्चों का ड्रिंक क्या हो रहा था कि 200 ग्राम का डब्बा है, अब डब्बा खुल गया तो उसमें हवा लग रहा है, कोई भी ड्रिंक 1 महीने के अंदर ख़त्म करना होता है, कई बार जैसे हॉर्लिक्स तक खुल गया, हॉर्लिक्स या बूस्ट तो 1 महीने के अंदर वो ख़त्म करना डब्बे पर लिखा होता है, तो उसको ज़्यादा हवा कॉन्टेक्ट में नहीं होना चाहिए। तो हमने अपना बच्चों का ड्रिंक ब्रेक किट डिसकंटिन्यू किया, क्योंकि नेक्स्ट मंथ बाद उनको सैचेट में लगे आ रहे हैं पाउच में कि बच्चा एक बार एक बहुत बड़ी एक पूरा डाल दिया काम खत्म, बाकी सिर्फ पड़ा हुआ है। तो सर अब कंपनी बड़ी हो रही है तो उसको अपग्रेड कर रही है, डिसकंटिन्यू नहीं कर रही है, उनकी क्या कर रही है अपग्रेड और बेटर कर रही है। समझा तो आ गए, आ गए सर, आ गए।